गृहमंत्री अमित शाह के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनआरसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की जानकारी के लिए एनआरसी बेहद जरूरी है। बहुत सारे विदेशी लोग चले आए हैं, यहां पता ही नहीं लगता है कौन देशी है कौन विदेशी है। तो आप तो कम से कम यह चाहते हैं ना कि हम आपको इस बात का पता होना चाहिए कौन देशी है कौन विदेशी है, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है इस देश में सभी राज्यों में एनआरसी कराई जाएगी और इसका फैसला करेंगे कि भारत में कितने विदेशी हैं, कहां से वहां आए हुए विदेशी हैं। लेकिन कुछ लोग इसी को लेकर तूल देना चाहते हैं इसे कि भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव कर रही है। क्या हमारा किसी देशवासी को इस बात का हक नहीं है यह जानने का कि हमारे देश में कौन विदेशी है? क्या यह जानना अपराध है? लेकिन हम लोगों ने जैसा कहा कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने की नहीं करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं, इसलिए उसकी वोट की चिंता न करते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि सारे देश में एनआरसी कराई जाए।